रायसेन में अध्यापकों की जायज मांगों को लेकर महामाया चौक परिसर में चौथे दिवस धरना जारी रहा। वहीं संघ के दर्शन सिंह और उपाध्यक्ष सीताराम रायखवार, राजेश जोशी, भवन मौर्य के नेतृत्व में अध्यापकों ने धरना दिया। आपको बता दें कि धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक गुरुचरण सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि मेरी 40 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात मुझे पेंशन के रूप में कुछ प्रदाय नहीं किया जा रहा है। आज मैं और मेरा परिवार महंगाई के दौर में भुखमरी की कगार पर है। साहूकारों से रुपए ब्याज पर कर्ज लेकर वह मुश्किल परिवार का पेट पाल रहा हूं। शासन को शिक्षकों की विसंगति को अब दूर करना चाहिए। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं मजबूर होकर एक रोज फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगा। और जो शिक्षक साथी हैं वह अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर ना मुझे पेंशन है, ना मुझे बीमा की राशि मिली। सर मुझे कुछ भी सुविधा नहीं मिली। आज जो पूरे रायसेन जिले हमारे प्रांत के भाई भरत पटेल जी ने जिले स्तर पर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है, तो रायसेन जिले से पूरे जिले पूरे ब्लॉकों से पदाधिकारी लोग आगे बैठे हुए हैं और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है।